पाकिस्तान के फाइटर विमान F-16 को उसी की सरजमी पर मार गिराने वाले एयरफोर्स के विंग कमांडर को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। जिस अभिनंदन का लोग नाम तक नहीं जानते थे, आज उसकी वीरता और साहस ने उसे देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलवा दी है। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की शौर्य गाथा अब राजस्थान के स्कूली छात्र भी पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन की शौर्य गाथा की कहानी को राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की शौर्य गाथा को लेकर पूरा देश साहस से भरा हुआ है। पाकिस्तान की सेना की गिरफ्त में आने के बाद भी अभिनंदन सकुशल भारत लौट आए, जिसके बाद अभिनंदन का पूरे देश ने अभिनंदन किया। पुलवामा में आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर बालाकोट और अन्य जगहों पर एयर स्ट्राइक कर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले आतंकी ठिकाने तहस नहस हो गए थे। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन पाकिस्तान के F-16 ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए हमले की कोशिश की, लेकिन अभिनंदन ने अपने लड़ाकू विमान MiG-21 से पाकिस्तान के आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। इसके बाद अभिनंदन गलती से POK की जमीन पर उतर गए और पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गए, लेकिन सरकार के सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। अब अभिनंदन की वीरता और शौर्य की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।